हे गाइस, कैसे हो आप सब। आपकी बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी कि निपल कवर को किस तरह से हम लोग वॉश कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताइए। तो आज आपकी डिमांड पूरी होने वाली है, मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ चुकी हूँ। मैं ये समझती हूँ कि हर लड़की के पास, हर वुमेन के पास ये निपल कवर तो होना ही चाहिए। जिसको निपल शो होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप इसे यूज़ करके अपने निपल शो होने की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है और इसे यूज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और हमें ना ऐसा फील भी नहीं होता है कि हमने कोई निपल कवर यूज़ किया है। सिलिकॉन है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार। मैंने मीशो से इसको ऑर्डर किया है। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ मेरे लिए चैनल पर जाके वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको उसका रिव्यू बताया है। तो आइए हम लोग उसको वॉश करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें नॉर्मल वाटर लेना है। नॉर्मल वाटर के अंदर हमें कोई भी हैंड वॉश, आप डिटॉल भी डाल सकते हो उसको और ज़्यादा क्लीन करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से हैंड वॉश से ये क्लियर हो जाता है। तो हमें सिर्फ इसकी डस्ट वगैरह ही निकालनी होती है। तो मैंने कोल्ड वाटर लिया है, उसमें थोड़ा सा हैंड वॉश डाला है और उसके बाद में इसको मैंने अच्छे से एक दो बार डिप किया है पाउडर के अंदर, और इसको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से नहीं रगड़ना है, थोड़ा बहुत ही रगड़ना है जिससे इसकी डस्ट निकल जाए ऊपर ऊपर से, क्योंकि गोंद है यार, अंदर से क्या ही निकालोगे। वैसे भी गोंद डस्ट को ज़्यादा खींच लेता है अपनी तरफ, तो अपने को सिर्फ वो ही निकालना होता है। तो आप देखिए किस तरह से मैं इसको आराम आराम से करना है, और दोनों साइड से करके, और उसके बाद देखिए अभी तक ये चिपक रहा है। और फिर उसके बाद में हमें कोई भी टॉवेल लेना है या फिर कोई भी जिससे हमारा जो निपल कवर है इससे वाटर क्लीन हो जाए। ये क्लीन होने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जिस दिन जिस जैसा मंगवाया था ना, बिल्कुल वैसा हो गया है। हल्का हल्का सा ब्लैक हो गया था इसको, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार यूज़ कर लिया था। तो उसके बाद में आप देख सकते हो बिल्कुल ईजी से चिपक रहा है, उंगलियों में सब जगह चिपक रहा है, क्योंकि गोंद बिल्कुल जो डस्ट था उसे रिमूव कर दिया उसने डस्ट को, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही चिपकने लग गया। गोंद होता है तो आराम से हर के आप मतलब चिपक जाता है। आप देख सकते हो मेरे हाथों में जहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ आराम से इजीली हो रहा है। और बहुत सारे बोलते हैं कि इस तरह से करने के बाद आप इसको धूप में रखिए, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। धूप में रखने से इसका जो गोंद होता है वो बाहर निकल जाता है और फिर इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। फिर इसको आप देख सकते हो तो बिल्कुल इसका जो गोंद है बहुत परफेक्ट है यार, कोई पेन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि यार निपल पे यूज़ करेंगे तो कहीं कुछ हो नहीं जाएगा, इन्फेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि इसके साथ जो ये पन्नी आती है वो बिल्कुल अच्छी होती है। आप चाहे तो इसे भी वॉश कर सकते हो, मेरा इतना गंदा नहीं हुआ था। उसके बाद जो निपल का जो पैक होता है उसको भी मैं वहाँ से क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद मैं उसको निपल को वहाँ रखूँगी। बिल्कुल इसी प्रोसेस में हमारे निपल कवर वॉश हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिएगा। और एक बात और, हमेशा पानी हमें नॉर्मल वाटर ही लेना है। तो थैंक यू।